ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः मनमते नमः राम रामाय नमः पितृपुरुषाय नमः मातेश्वरी नमो नमः ओम नवग्रहेभ्यो नमः दशदिगपालेभ्यो नमः। स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल सॉरी ज्योतिष गुरुकुल के टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। क्लास कर जाता है 27 वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल चलाओगे तो इसका उसका नाम हो जाता है। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद, सारे चैनल 5K 7K सब्सक्रिप्शन पार हो चुके हैं और ये चैनल भी अच्छा चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग बिना प्रयास के आप लोग मेरे ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप लोग करीब करीब 600 साढ़े 600 सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी है कि आप लोग स्वीकार कर रहे हो और ये हमें सर्टिफाई कर रहे हो कि हाँ मेरा ज्ञान, मेरा क्या कहूँ, मेरे गुरुओं का ज्ञान, मेरे मातेश्वरी का ज्ञान आप सबको समझ में आ रहा है, तभी तो सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, व्हाट्सएप में कुंडली विश्लेषण करा रहे हो। कोटि कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को कृतज्ञता देता हूँ, खुशामदेंद करता हूँ और कृतज्ञता के साथ धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग हमारे इतने सारे लोग यहाँ तक हमें पहुँचाएं। आपका प्यार, आपका मुझे देने वाला मान सम्मान और बहुत सारे लोग जिज्ञासा और कोर्स करने के लिए भी आ रहे हैं, नो डाउट, अच्छा है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गेप रहा, हमारे योग गुरुकुल आध्यात्म गुरुकुल के कार्यक्रम था और कुछ ऐसे प्रेशर, जॉब प्रेशर तो ज़्यादा रहा जिसके लिए मैं आ नहीं पाया इस एस्ट्रोलॉजी के लिए। और एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत कूल काम एंड साउंड माइंड चाहिए एक, और एस्ट्रोलॉजी का जो एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी चैनल के लिए भी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा आवश्यकता हो रहा है तो आपको समय कम दे पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी गोचर का बात है, स्थिति, जैसे जैसे मैं युतियों का और ग्रहों का स्थिति के बारे में विगत दिनों में वीडियो में बताया, जो जो बोल रहा था, जो जो प्रेडिक्शन किया था, आप शायद आसपास जरूर देखते होंगे, हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, स्थिति बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। देखिए कोई ग्रह कभी किसी को बुरा फल तो नहीं देते, ग्रह अपने नैसर्गिक गुण धर्म हैं उसी हिसाब में करते हैं, इसलिए ना शनि बाबा को दोष देना है ना राहु बाबा को दोष देना है, सब मजे में है, बस यही है कब ज़्यादा ऊर्जा दे देते हैं, कब कम ऊर्जा दे देते हैं, कब हानिकारक ऊर्जाओं का रेडिएट होता है, कब लेकिन अच्छा शुभ ऊर्जाओं का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है कि। तो अभी इसलिए मैं आया कि अभी जो स्थिति है, अगर आप देखोगे खगोलीय स्थिति है, ग्रहों का स्थिति है, ग्रह गोचर स्थिति है, या जो भी जोडाइक लेवल पे है या महाकाश में है, एक प्लैनेट केतु बाबा तुला राशि में बैठे हैं सप्तम स्थान पे, पहला घर को एक्यूपाई करके राहु बाबा एक्सिस 1-7 एक्सिस, और इन दौरान जो कालसर्प टाइप स्थिति था दूर हो चुका है। द्वितीय स्थान में सूर्य और बुध, द्वादश में गुरु बृहस्पति मंगल, एकादश में शनि बाबा, चंद्रमा अपना घूम रहे हैं, आज मेष क्रॉस कर रहे हैं, आज शाम तक क्रॉस कर जाएंगे, द्विजा नक्षत्र में चल रहे थे, तो बुध सूर्य 2, शुक्र बाबा मेष के साथ में राहु के साथ 4, गुरु मंगल 6, शनि बाबा 7, केतु बाबा 8, चंद्र बाबा 9 ग्रह। विश्व ब्रह्मांड में कैसा स्थिति बना, नीचे डंडा ऊपर में छत्ता अम्ब्रेला, समझिए ऐसा स्थिति में जिसका जन्म होता है और इस प्रकार के यू नो राशि नग्न राशि मिल जाए तो उसको बोलते हैं, जैसे एक योग है छत्रभंग योग, ऐसे ये छत्र सुरक्षा योग, यानी ऐसे जीवन के व्यक्ति में, ऐसे जीवन, ऐसे इस समय जो बच्चे जन्म होते हैं, कितना भी कष्ट पीड़ा दुख झंझावात प्रेशर टेंशन जीवन में आ जाए, ऊपर में सारे ग्रह रक्षा करते हैं।
इज लाइक अम्ब्रेला, यू सी अम्ब्रेला सेप, जैसे यहाँ कोई पकड़ा हुआ है यहाँ से लेके पीछे तक, और राहु केतु एक्सिस बना के डंडा लेके खड़े हैं। ये समझ में आ रहा है कि कितना भी समस्या आ जाए व्यक्ति अभी तो इतना बड़ा भयंकर स्थिति नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ये जो मंगल बाबा राहु में घुसने वाले हैं, राहु के पास घुसने वाले हैं, और ये बनेगा यू नो अंगारक योग, थोड़ा विपदा तो रहेगा। लेकिन अब जब शुक्रदेव राहु के पास आ गए, मेष राशि में प्रवेश कर गए, अभी अंगारक योग तो नहीं है, लेकिन अभी भी अगर चारों तरफ आंख फैलाओगे तो परिस्थिति कुछ टेढ़ा बन रहा है। राहु मुंह सांप का, या कोई कोई लगा के रखता है, देखना राक्षस का मुंह, सर नीचे की तुधड़, अब उसमें कोई भी प्लैनेट जाए, इसीलिए राहु किसी के साथ भी रहे तो कोई सुयोग तो नहीं बनाता है, दुर्योग ही तो बनाता है। गुरु के साथ रहे तो गुरु चांडाल बनता है, शनि के साथ श्रापित, मंगल के साथ अंगारक, ये तो बनते हैं, बुध के साथ जड़ बुद्धि, चंद्रमा के साथ ग्रहण, सूर्य के साथ पितृदोष, सारे हैं। लेकिन जब शुक्र, आप बोलेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु और जो सुरभानु था दैत्य, तो गुरु चेला दोनों मिल गए, हाँ, लेकिन ये कोई पॉजिटिव गुरु तो नहीं है ना। हालांकि कुछ स्कॉलर विद्वत विज्ञान बुद्धिमान पंडित लोगों के मत में राहु शुक्र मित्र हैं, हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, राहु किसका मित्र है, कहां क्या अच्छा कर देता है? राहु को दोष नहीं दे रहा हूं, ये ग्रह तो हमारे एकमात्र प्रतिबिंब है, एक आयना है जो हमें दिखाते हैं कि भाई ये एनर्जी है, देख लो। तो शुक्र, अब सोचिए शुक्र का जो भी कारकत्व है उसको एक तरफ रखिए, शुक्र माने आपका लग्जूरियस गाड़ी, शुक्र माने लग्जरी, शुक्र माने सुख संपदा, शुक्र माने संपत्ति, शुक्र माने आपके शरीर का जो भी बीजाणु कीटाणु आई मीन्स वीर्य इत्यादि, शुक्र मीन्स जितने सारे साज सज्जा की सामग्री महिलाओं माताओं के जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, समझ जाओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये सारे शुक्र के जितने सारे कार्य, शुक्र माने नारी, शुक्र माने फीमेल, शुक्र माने महिला, शुक्र माने गाय, शुक्र मीन्स हैप्पीनेस, शुक्र मीन्स एंजॉयमेंट, शुक्र मीन्स ये जितने फिल्म हॉल, एक्टर्स एक्ट्रेस, एक्ट कल्चर, ऑल दिस थिंग, मजा मस्ती, एंटरटेनमेंट प्लेस, इस प्रकार को शुक्र कहते हैं, यानी शुक्र एक विस्तार विषय है, कामना वासना को भी कहते हैं। और राहु के मुंह में जा रहे हैं तो मैं कहूंगा गाड़ी थोड़ा सावधान चले। इधर आज के डेट में बुध कंबस्ट चल रहा है, सूर्य के साथ बहुत क्लोज कंजक्शन है, तो ये जितना मैं शुक्र का गिनाया, भाई सावधान, पीड़ित तो होंगे, माया में पड़ेंगे, थकावट में पड़ेंगे, नारियां से, नारी से लेके गाड़ी से लेके, राहु माने चोर, राहु माने ठगबाजी, राहु माने लंपट, राहु माने धोखेबाज, राहु माने गद्दारी, राहु माने जहर, तो ये दोनों को मिलाइए और यहां से समझ जाइए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके बहन जहां स्टैंड में रख रहे हो, पार्किंग कर रहे हो, या आपका बीवी नारी जो भी हैं, इस समय ये कालखंड में आप जो भी बड़े निर्णय लेने वाले हैं, घूमना है, कहीं जाना है, कहीं इस प्रकार का रिस्क टेकिंग काम करना है, अपने को थोड़ा बचा के, एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, उनको करेगा जो लोग साधना ध्यान योग और इस प्रकार के मार्शल आर्ट, इस प्रकार के साधनात्मक हैं, उनको कितना भी नेगेटिव पुनर्जार्ज है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जो लोग स्तोत्र कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप सिद्धि किए हैं, मंत्र सिद्धि किए हैं, तप सिद्धि किए हैं, जैसे अभी हम लोग उस प्रकार का शिविर भी चला रहे हैं, आने वाला 22 जून से जुलाई तक, 22 जुलाई तक एक महीना का स्पेशल साधना शिविर चल रहा है। इस प्रकार के ग्रहियों दोषों को आप कैसे टाइमलेसनेस बन के कंट्रोल कर पाओ, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इधर सेकंड हाउस धन स्थान में सूर्य का पहुंचना
वृष राशि में कोई शत्रु मित्र ग्रह तो नहीं है, शत्रु ग्रह साथ में बुध बाबा कंबस्टेड। और अब इसके लिए मैं कहूंगा जो मिथुन और कन्या है, जब आपका प्लैनेट एक तो बकरी ऊपर से कंबस्टेड और फिर मिथुन से द्वादश, तो डेंजर है ना साहब। और ये बुध बाबा जहां 21-25 दिन में दौड़ दाड़ के खुद भान के भागने वाले, अब वहां लटक गए 70-75 दिन के लिए। तो जब भी कोई प्लैनेट किसी जगह में बहुत देर तक रहता है, फिर बकरी होता है, फिर अनकंबस्टेड हो रहा है, तो विपदा तो है ना भाई, अच्छा कहां है। और मीन मेष वृष तो गुरु से तीसरा में है, तो ये चिंतनीय विषय है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वृश्चिक लग्न के ऊपर, आप देखो वृश्चिक के ऊपर शनि का कुंभ राशि से दृष्टि और फिर राहु का दृष्टि, सॉरी गुरु का दृष्टि, दोनों का दृष्टि वहां जा रहा है, दो एनर्जी वहां ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। और वृश्चिक का सेवन से सूर्य का दृष्टि और बुध का दृष्टि, तो चार ग्रह का एनर्जी वहां मूवमेंट कर रहा है। अब क्या कहना चाहिए, सूर्य और शनि का दृष्टि एक जगह में, तो क्या कहना चाहिए, थोड़ा भाई संभल के सावधान। और जब भी बहुत ज्यादा ऊर्जा किसी राशि लग्न पे आ जाता है तो जिंदगी हिलाता है, थोड़ा संभल के। और ऊपर से वृश्चिक वालों का ढैया, कर्क के ऊपर गुरु का दृष्टि ढैया, और कुछ दिन में कट जाएगा, फिर शनि बाबा मकर में आ जाएंगे। तो अब मीन में गुरु मंगल, मैं गुरु मंगल का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कैसा है किस नक्षत्र में, और गुरु बाबा नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद अब मंगल क्रॉस करेगा, तो मीन के ऊपर तो मंगल का ओवर फोर्स रहेगा ही। तो मैं ये राशियों को, और मेष तुला तो अभी 1.5 साल के लिए तो छुटकारा कहीं से है नहीं, राहु बाबा ज्यों ज्यों डिग्री बढ़ाएंगे नवांश बढ़ेगा पावर में आएंगे, इन तुला और मेष वालों का जिंदगी में तो उफान चालू होगा। और जब मंगल आ जाएंगे तो मेष तुला वाले तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, क्या होगा वो अलग बात है, इस प्रकार का नेगेटिव प्रेडिक्शन देना नहीं चाहता हूँ। मंगल और राहु मेष में बैठेंगे तो मेष ब्रेन दिमाग और ये सब ऑलरेडी बात हो चुका है, बार बार बोलने का आवश्यकता तो नहीं है। और मेष का जो कारकत्व है इंटेलेक्चुअल लेवल पे हेड के ऊपर, और फिर सप्तम स्थान बाजार मार्केट जर्नी यात्रा, तो इसमें फायर का ज़्यादा चांसेस है, बिना फालतू का शॉर्ट सर्किट, बिना फालतू का फायर, फायर में फायर, तो पीड़ित तो होंगे। ऊपर से मेष में राहु मंगल बैठ के शनि का भी दृष्टि, हालांकि शनि बाबा आ जाएंगे फिर मैं, तब तक जब तक हैं तो वो स्थिति तो बनेगा, तो डेंजर स्थिति तो बन रहा है ना। इधर शनि का क्रूर दृष्टि, मंगल मंगल में राहु के साथ अंगारक योग, फिर केतु का उधर से दृष्टि, और सूर्य बाबा वहां से आगे चल के थर्ड हाउस में घुसे हुए, बुध बाबा वहां लटके हुए। हाँ, एक पार्ट में ये कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक शुभ कर्तरी भी बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल तो मेष राशि के ऊपर नहीं हो पाएगा। तो इस समय इन बातों को समझ के अपने जीवन व्यवस्थाओं को अच्छा करना, जैसे सूर्य और बुध क्लोज कॉम्पैक्ट होके कंबस्ट हो रहा है, बुध बुध माने स्कीम, बुध माने हरियाली, बुध माने चर्म, बुद्ध माने बुद्धि, बकरी भी है उल्टा बुद्धि है और साथ में जले हुए हैं, तो यूनिवर्सल लेवल पे जब बुद्ध डाउन होगा, बुद्ध माने व्यवसाय, तो व्यवसाय अफेक्टेड लो डाउन जाएगा, होने वाला काम रुकेगा। और जब भी लग्नेश द्वादश में, तो मिथुन का द्वादश में कंबस्टेड होके, तो मिथुन वाले तो नेचुरली सावधान होना चाहिए, कन्या वाले तो और सावधान होना चाहिए। हालांकि कन्या राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट दृष्टि है, लेकिन मंगल जिस दिन घुस रहा है कन्या में,
ओ उस दिन गुरु और मंगल का दृष्टि फिर कन्या में आ रहा है ना, तो इस क्षेत्र में, और फिर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लग्नेश बुध क्योंकि अम्बष्ट हो रहे, जले हुए हैं, मरे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा अपने को हेल्थ स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, अर्थ क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जिनका जिनका नाम लिया, बाकी लोगों का चलेगा, चले बुल है, बड़ी बढ़िया नहीं कहूंगा, औसतन है, जैसे जो जो भी नाम ले लिया मैं, कर्क का, कन्या का, मिथुन का, वृश्चिक का, मीन वालों का, मेष और तुला वालों का, कोई डरा नहीं रहा हूं, नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये स्थिति है ग्रह गोचरीय, बुध कंबस्टेड है, तो वी वर अबाउट बिजनेस, स्किन प्रॉब्लम्स एंड ब्रेन एंड बुध का जो भी कारकत्व है, जो जो मैं बताया हूँ ऑलरेडी पूर्व वीडियो में भी, तो जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, तो उसके ऊपर नेचुरली आपको ध्यान देना चाहिए। और दो एक दो दिन में सूर्य कूदने वाले भी हैं, अपना घर छोड़ने वाले भी हैं, लेकिन टाइम है अभी, तो ये जो 15-20 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें हम सबको, मैं जनरल राशिफल नहीं कह रहा हूँ कि आपको आलू मिल जाएगा, भालू मिल जाएगा, भालू का पूंछ पकड़ोगे और सांड बाबा का वो ऊपर में बैठ के आप घूमोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक ओवरऑल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मैं नवांश वाइज और नक्षत्र वाइज नहीं जा रहा हूँ, मेरा वीडियो, इस वीडियो का लक्ष्य है कि मैं आम बात समझ जाओ, जो लोग अभी यात्रा करना चाहते हो, या जो लोग कोई बिजनेस इन्वेस्ट, जो जो ये राशि वाले स्पेशली, और मीन वाले तो सबसे ज्यादा सावधान इस समय होने का कारण 7.5 का स्टार्टिंग फेज है, टेलर दिखाएगा शनि बाबा, छोड़ेंगे तो नहीं, अभी 144 दिन का टेलर फिल्म देखोगे, बाद में 7.5 साल का तो फिल्म देखोगे ही देखोगे, तो ये आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो फिर तैयार हो जाओ, नया किसी में इन्वेस्ट मत करो, कई नया रिक्स मत लो, किसी को आसपास वालों को विश्वास मत करो, बिना जाने बूझे कोई सी पेपर में साइन मत करो, तो ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं, और ये स्पेशली खाली मीन को नहीं लगता है, मीन कर्क वृश्चिक, तो जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यक है, और ये साल क्योंकि शनि बाबा का आगे जाएंगे कुंभ में, फिर आ जाएंगे मकर में, तो कुछ दिन के लिए तो ये टेलर दिखाएंगे, टेलर दिखाने के बाद फिल्म दिखाते हैं, तो टेलर है। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, और ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकता, समय भी हो गया मेरा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, संपर्क हेतु तो कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष ट्रेनिंग या हमारे अभी स्पेशली ग्रह बलों से अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए प्रशिक्षण शिविर 1 महीना का चल रहा है, आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं, संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418, मेल आईडी sanjay@gmail.com, और यूट्यूब में 27 चैनल के बारे में भिन्न भिन्न विषय को जानने के लिए संजय कैपिटल G75 सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।